बिजी स्केड्यूल में इस टीम को इनॉग्रेट करने के लिए और आप सबके सामने दुनिया के सामने लाने के लिए हमने ये शहर चुना। ऑल्दो ये लीग पूरी दिल्ली में होने वाली है लेकिन हमको मुंबई में लॉन्च करना था क्योंकि दिस टीम इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र एंड मराठा रेसलिंग। मेरा नाम रंजीत सक्सेना है और पिछले 16 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। 14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब करने के बाद पिछले 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। एक रिटेल चेन चलाता हूँ मैं यहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया मेरे शोरूम्स हैं। करीबन 1 महीने पहले की बात है, कार्तिकेय जी और सुनील कालरा हु इज द सीईओ ऑफ दिस लीग, दे केम अप विद दिस ऑफर कि एक टीम की जगह है जयपुर की टीम इज वॉकिंग आउट तो हम एक टीम अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी महाराष्ट्र से मुंबई की एक टीम है मुंबई महारथी एंड वी हैड अ चॉइस कि हम क्या करें। आई वॉज वेरी एडमिट क्योंकि मेरा जुड़ाव यहाँ रहा है। बहुत लोगों की तरह बहुत लोगों से आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि वो लोग बॉम्बे आए और बॉम्बे ने उनकी किस्मत बदल दी, शायद ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। 15 साल पहले खाली हाथ आया था, आज इतना कुछ फैला है मुंबई और महाराष्ट्र से कि कुछ और सोच नहीं पा रहा था सिवाय इसके कि मराठा के नाम की टीम होनी चाहिए। सो पहली बार लीग ने दो महाराष्ट्र की टीम अकोमोडेट की जस्ट बिकॉज वी पुट प्रेशर कि मुंबई मराठी के अलावा एक महाराष्ट्र की टीम भी आएगी एंड हियर वी आर वीर मराठा। जब नाम हम लोग इनफैक्ट समबडी वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वीर मराठा क्यों, तो मेरा जवाब सुन गई कोई शब्द मेरे काम में नहीं आता जो उस पर जड़ लगा सके। सात दिन के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव काम किया है और हमारा जो सीरियसनेस है इस पूरी लीग में इस टीम को बनाने के लिए और रेस्लिंग पर्टिकुलरली रेस्लिंग के लिए वो इन दो तीन चीजों से आपको समझ में आएगा कि हम कितने सीरियस हैं इस पूरे स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम महाराष्ट्र में पॉपुलर करने के लिए। बहुत बड़ा बड़ा नाम है रेस्लिंग में जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, महावीर प्रसाद जी। महावीर प्रसाद जी हमारे टॉप कोच हैं, तो स्पेशली हमने फेडरेशन से दिया है जो हमें एडवाइस कर रहे हैं। मान साहब हमारे कोच हैं जो फेडरेशन ने दिया है। उसके अलावा हमने जब टीम का ऑप्शन हुआ था लास्ट वीक, वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने हर वो प्लेयर जिसको हम आए कर रहे थे जिसने इंडिया को बहुत लॉरल्स दिए हैं, रितु फोगाट, रितु मलिक, देन वी हैव इंटरनेशनल प्लेयर्स, वी हैव प्रवीण राणा हु हैज बीन अ ब्रिलियंट नेशनल लेवल प्लेयर कॉमन लेवल प्लेयर, देन वी हैव अमित धनखड़ जिसने पिछले 15 सालों में काफी और उसके अलावा So, at international level ke players hain hamare paas heavyweight category mein, they were the best available in the auction PW. Hey baba, obviously team form ki hai, jeetne ke liye form ki hai, lekin jeetne se zyada dil jeetne ke liye ye team form ki hai. Mera live hai, mera live chal raha hai. Ye maine nahi kaha hua, lekin ye maine nahi kaha wo ye hai. Are to main bhi to Indian Nation Prakash kar liya, lekin nahi hoga na. You know, fan for live ke liye tha ki apna camera bas raha, for fair mein camera rakha. That is what we want to hear. Baaki hamare tune rest mein koi doubt nahi hai mujhe. People itna nervous na, what an rough limit. Aage wo nahi lagwaunga. ये कैमरे आगे करवा दे। I would like to request Aditya ji to come on stage and say a couple of words regarding to just boost the morale of the team and unveil the logo that we have. काफी उसमें एक ऑनर लगता था मेरे, मैं सौभाग्य मानता था कि मुझे बुलाया गया है, स्पोर्टिंग इवेंट है और किसी पॉलिटिशियन को बुलाया है। लेकिन परसों मैं गौर कर रहा था कि इतने स्पोर्टिंग इवेंट्स के पॉलिटिशियंस क्यों इनॉग्रेशन करते हैं, तो फिर मैंने जाना कि जो स्पोर्ट्स में फेयर प्ले के हिसाब से होता है, कुश्ती होता है, कबड्डी होता है, वैसे ही हमारा अनफेयर प्ले चलता है पॉलिटिक्स में, कबड्डी चलता है, कुश्ती चलता है, तो कबड्डी यानी एक दूसरे का प्रेयर प्लीज करो। कुश्ती हमारी रेसलिंग से पॉलिटिक्स में चलती रहती है, लेकिन आपके लेवल के जो स्पोर्ट्स रहते हैं मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स जो ग्रास रूट्स पे चलते हैं वो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑफकोर्स एक इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान होता है, मेडल्स होते हैं, लेकिन अगर आप सोसाइटी लेवल पे देखो तो स्पोर्ट्स ही एक इक्वलाइजर है जो जेंडर इक्वालिटी को आगे
ने अभी फुटबॉल में एक ट्रायल जारी किया है बीएमसी स्कूल्स में जेंडर इक्विटी, 5 गर्ल्स 5 बॉयज. बचपन से अगर स्पिरिट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ये दोनों साथ में चलते रहे तो स्ट्रेस लेवल्स कम होते जाते हैं. अगर फिटनेस की बात हो तो हमारे सोसाइटी में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये काफी इंपॉर्टेंट है. और ये देखते जाए तो पूरे देश में एक स्पोर्टिंग कल्चर होना काफी जरूरी है. बीच में सचिन जी ने भी एक अपील किया था कि स्पोर्टिंग कल्चर लाना बहुत जरूरी है. ये तो चलती रही बात, जैसे आज ही मैं सोच रहा था क्योंकि हम इतनी सारी चीजें सोचते रहते कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसमें समान क्या है, अलग अलग क्या है. तो कभी स्पोर्ट्स में जैसे डोपिंग कहा जाता है, वैसे हमारे मुल्क में भी पॉलिटिक्स में ईवीएम की बात आती है. तो ये सारी चीजें हैं. लेकिन मैं आपका खाब लॉन्च किया है, ऑफ कोर्स ये लोगो मैंने मेरे दिल के करीब है क्योंकि हमारे पार्टी का भी लोगो काफी इसके करीब है, वीर मराठा भी. और आपके साथ जो आपने एक नेम नाम जो लिया है वीर मराठा है और जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अगर हम कहीं भी महाराष्ट्र में जाए और किसी को भी जिसे नमस्ते कहते हैं तो उसके मुंह से पहला लफ्ज जो आएगा वो है जय महाराष्ट्र. तो वैसे ही आपका एक टैगलाइन के जय महाराष्ट्र में आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कभी हारोगे नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक एट स्पोर्ट एज अ ग्रेट इक्वलाइजर इन आवर सोसाइटी. At this juncture, of course, as I congratulate you, as I wish you good luck and every possible support, because Maharashtra is the karma bhumi of wrestling, I would like to collaborate with you and, you know, give you this offer. Of course, I have no financial offer, but we have got 1231 schools, 1231 schools in Maharashtra, in Mumbai, of the BMC, and along with a couple of groups like the Lions Club, the Rotary and a couple of other associations, be it football, rugby, kabaddi, we've trained about 200 PT teachers in the laws of the game, because I believe that coach education is very important. I'm sure the coaches here agree that when we teach the game to any kid, the right way has to be taught. And therefore, if we can somewhere collaborate for any schools across Maharashtra, be it Mumbai, be it Thane, be it Sambandnagar, be it Kolhapur, where we can take wrestling to these kids aged 5, 6, you know, just let them play, let them enjoy the game, let them learn how to win and lose, I think that would be our biggest contribution to sport. And once again, congratulations, and I assure you that if there's anything I can do, be it as a fan, be it as in any capacity I can help you, I will always be here. Thank you, Jai Hind, Jai Maharashtra. काफी सभी नए प्लेयर के साथ है, सबके साथ में से अनचे पहले भी तो इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है. बाहर से रेसलर आएंगे तो उनके साथ भी काफी बॉन्डिंग अच्छी है. पहले भी तो एक टीम के साथ खेल के बहुत अच्छा लगे, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि कब हमारे मैच ओवर, कब हम अपना 100% देंगे और टीम को दिखाएंगे. आप जब मैचेस खेलती हैं तो आपकी बहनें जो है वो अलग टीम से खेलती हैं और अब आप अलग टीम से खेलेंगे, तो घर में किसको सपोर्ट किया जाएगा? लुक एट कैमरा. जब टीम की बात है तो मैं टीम को सपोर्ट करूंगी. वैसे मेरा सपोर्ट सिस्टर के साथ ही है. कौन सी सिस्टर के साथ है आपका सपोर्ट? सभी सिस्टर के साथ ही है. अगर टीम की बात आई तो मेरे सपोर्ट टीम के साथ ही है. और आपके पापा किसको सपोर्ट करेंगे सारी बहनों में से? पापा तो सभी को ही करेंगे. ठीक है, मैं ये प्रवीण राणा से पूछना चाहती हूँ. आप अभी मीडिया में बहुत चर्चित हैं, आप मुझे ये बात बताइए कि ये कहीं कोई प्रेशर तो नहीं डालेगा आपके गेम के? जी नहीं मैम, अभी काफी स्ट्रॉन्ग है, पहले से काफी उम्मीद है इससे आपकी बार बहुत अच्छा करेंगे अपनी टीम के लिए. सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने बोलने को, और थैंकफुल है इनके बहुत बड़े, क्योंकि जो हमारी टीम का चयन हो रहा था तो हम सभी यही चाहते थे, मैं अमित और सरवर की यहाँ वीर मराठा टीम में जाए, क्योंकि हम बचपन से ही यहाँ पे पूना में और कोल्हापुर में कुश्ती लड़ते थे, तो हमारे दिल की इंटरेस्ट यही था कि हम वीर मराठा टीम में ज्वाइन करें और आपकी बार अपनी टीम में जीतना. इससे बहुत कुछ सीखा हमें, जो यहाँ ओलंपिक लेवल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन है उनके साथ हम खेलते हैं तो हारते भी हैं जीतते भी हैं, हमें अपनी कमियों का पता लगता है हम किस लेवल पे हैं, और अब हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है, हम अपना बेस्ट देंगे और हम अपनी टीम को फर्स्ट पे. थैंक यू वेरी मच.
मैच में एक लास्ट क्वेश्चन शरद से पूछना चाहती हूँ. ओनली वन क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन. आप अभी जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में आए हैं पिछले साल, और आपने आते ही चैंपियनशिप, गोल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ में जीते. कुछ कैसा फील कर रहे हैं आप? तो अभी आप बिल्कुल तैयार हैं सीनियर्स में खेलने के साथ? तैयार. सुपर.